हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो भाई साहब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे रेनॉल्ट काइगर के बारे में। तो रेनॉल्ट काइगर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, RXL वेरिएंट है, जो कंपनी डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब दोबारा कंपनी इसको वापस लेकर आ गई है। 6,60,000 रुपये की कीमत में ये वाली गाड़ी आपको इस सेगमेंट में ऑफर करती है। सारे फीचर, तमाम फीचर इसमें मिल जाते हैं मात्र 6,60,000 रुपये में। ठीक है, इसकी विड्थ बताना चाहूँगा मैं आपको। 1750 mm की इसमें आपको विड्थ मिल जाती है। और भाई साहब, इस वेरिएंट के सेकंड बेस वेरिएंट बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप नज़र डालो फ्रंट लुक पे। फ्रंट में इसमें आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे ना आपको क्रोम देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे पहले ये ब्लैक कलर की लाइनिंग आती थी, वहाँ पे अब इसमें क्रोम भी देखने के लिए मिल जाता है। पूरे ओवरऑल लुक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा वॉक अराउंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको गाड़ी का, वन बाय वन करके सारे फीचर भी कराऊंगा। 6,60,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। ठीक है, आ जाते हैं फ्रंट के लुक पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले काला काला सिर्फ ये ब्लैक कलर ग्रे मिलते थे, क्रोम मिलता है। यहाँ पे DRL एंड तक कनेक्टेड, यहाँ पे एंड तक जाती है, ये मिल जाती है। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया DRL फ्रंट का लुक हो गया। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा इसमें। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर बाउल बड़े वाले देखने के लिए मिल जाते हैं। जो कि मतलब सेगमेंट तो पहले वाला है, सब LED नहीं है, ये हैलोजन बेस्ड है। और इसका जो ये बोनट, बोनट के ऊपर ये जो दो बंस दिए गए ना, ये पूरा मस्कुलर बनाते हैं इस गाड़ी को। इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर फील आता है गाड़ी में। ठीक है, मात्र 6 लाख। साइड प्रोफाइल की जो बात है, इसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे। 3995 mm, 4 मीटर के अंदर ही है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं डोर हैंडल, और ये फेंडर उस पर वेंटर पे लग रहा है, और ये नीचे ब्लैक कलर की क्लैडिंग, सब मतलब ब्लैक ग्लॉसी ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया गया है, मैट का नहीं दिया गया है। क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है। 2500 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। 2500 mm, यहाँ देख लो 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं व्हील कैप के साथ। यानी कि व्हील कैप के साथ 16 इंच के टायर, बहुत अच्छी प्रोफाइल दी गई है गाड़ी में। आगे आपको डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक, ये देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको इस गाड़ी का बता दिया, 205 mm को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल है ना बड़ी धांसूसी। तो ये चीज़ इतनी सारी खूबियों के साथ मात्र 6,60,000 रुपये मिलती है। आते हैं पीछे की तरफ, बैक प्रोफाइल से कैसी दिखती है। तो बैक में देख लो, जो इसके बैक की प्रोफाइल है ना, मतलब इसको ज़्यादा बढ़िया बनाती है ये चीज़, बहुत बढ़िया बनी। डे एंड नाइट रनिंग में ये वाली चीज़ें चलती है। जब इसके हेडलैम्प ऑन करेंगे तो ये आपको डे एंड नाइट रनिंग चालू करेगी। जब आप इसको ब्रेक लगाएंगे तो मैं आपको बताऊँ, ये वाला पार्ट इसका ऊपर वाला चलता है, ये वाला जब आप ब्रेक लगा दें। ठीक है, ये इंडिकेटर हो गया, या आपको आएगा स्टॉप लैम्प, ठीक है, रिवर्स लैम्प हो गया। तो ये चीज़ इसमें आपको पीछे को काइगर की बैजिंग है, रेनॉल्ट की बैजिंग है, इसके अलावा और कोई बैजिंग इसमें नहीं है। RXL वेरियंट है, सेकेंड बेस वेरियंट है, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। तीन तीन पार्किंग सेंसर इसमें आपको पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं। तीन सेंसर, डिफोगर, वाइपर, पीछे कुछ भी नहीं मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और शार्प एंटीना, ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ, ये जरूर मिल जाता है वो आपको। ठीक है, ऊपर रूफ रेल भी देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे स्पॉयलर है बहुत बढ़िया सा, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, पीछे की पूरी ओवरऑल लुक ये है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी रह गई हमारी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको बड़ी सी 40 लीटर की देखने के लिए मिल जाती है। अब ये तो हो गई बाहर बाहर की सारी बात। ठीक है, बाहर से मैंने आपको सारी चीज़ बता दी गाड़ी की। एक बार और बता देता हूँ, RXL सेकेंड बेस वेरिएंट 6,60,000 रुपये में इतने अच्छे खासे फीचर्स के साथ, इतने अच्छे लुक्स के साथ इसमें आपको चीज़ें मिलती हैं। कमी किसी चीज़ की नहीं रहेगी। अंदर से बात करते हैं गाड़ी के। तो भाई साहब, अंदर से सबसे दिखाने पहले चीज़ दिखाऊंगा, चाबी। इतने बजट में आपको चाबी भी सिंपल नहीं मिलती, रिमोट की मिलती है। ठीक है, डोर हैंडल देख लो, डोर ट्रिम है बिल्कुल, मतलब ORBM को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे, मगर एडजस्ट आप इसको अंदर से ये इस बटन से कर सकते हो। ठीक है, पूरे के पूरे 4 पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक का मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी के लिए आपको एक्टिविटी एक्टिवेट के लिए वहाँ पे 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं चारों दरवाजों पे। और यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर बराबर में ये होल्डर मिल जाता है। एक चीज़ और मिलती है इसके अंदर, 4 स्पीकर के साथ साथ दरवाजे पर ही जो, तो वो है डोर ट्रिम के अंदर ही ग्रैब हैंडल, ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बड़ा फील आता है हैंडल के साथ, ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे दरवाजे पे नहीं, पूरे अंदर मतलब पूरी गाड़ी के अंदर ग्लॉसी ब्लैक की टचिंग दी गई है, जिससे गाड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। इतने बजट में इतनी सारी चीज़ें यार, बिल्कुल दिल जीत लिए। सीट्स की बात करें, फैब्रिक्स की सीट है, बट इसमें डबल टोन ये वाला कलर आपको देखने के लिए मिलता है। हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। और एक चीज़ और, दोनों के आगे जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों एडजस्टेबल है, पीछे के 3 मिलते हैं वो फिक्स है, वो आपको एडजस्टेबल नहीं है। आते हैं क्लस्टर पे, गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं तो यहाँ देख लो पूरा स्पीडो, और यहाँ पे आपका फ्यूल का, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर का दिखा देता है। ठीक है, स्टेयरिंग पे आ जाते हैं, स्टेयरिंग आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाता है, टिल्ट टेलीस्कोपिक, वाह।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे आपको देखो वन डिन, नहीं डबल डिन नहीं, ये वन डिन है, इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेटिव जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है सारी इसमें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे क्रोम के टचिंग के साथ दी गई, यानी कि फ़ोन की कनेक्टिविटी, मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी सब आ जाती है। एसी वेंट यहाँ मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे बटन है, यहाँ से देखो आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर, यहाँ से स्टेबिलिटी ऑन हो जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल का। यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का अंदर एक बटन मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, खास चीज़ें हैं ये जो इतने बजट में गाड़ी ऑफर कंपनी कंपनी ये गाड़ी में ऑफर, ये चीज़ें इतने बजट में कर देती है। ये देख लो ग्लोसी ब्लैक यार, सारी टचिंग दे देती है, इतने सारे फीचर हैं, एसी है, डबल, जिसका मन हो भाई 7 इंच का अपना लगा सकते हो, मगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें फुलफिल मल्टीमीडिया आपको इस पर कर देता है, ठीक है। एसी देख लो, एसी का यूनिट यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाएगा, नीचे बड़ा सा स्पेस फोन वोन रखने के लिए, यहाँ नीचे एक और स्पेस मिल जाएगा, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेट्रोल वेरिएंट है, ऊपर आपको एलईडी मिलती है, ठीक है। IRBM यहाँ पे डे एंड नाइट वाला मैनुअली मिलेगा शिफ्ट करने के लिए। आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस भी मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर का स्पेस भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ से आर्मरेस्ट भी फिक बढ़िया है, मतलब गुदगुदा सब बढ़िया है। 2-3 बोतलें आपके आराम से सटासट अंदर की तरफ यहाँ पे इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। 2-3 पानी की बोतलें, ग्लोबॉक्स यहाँ पर बड़ा डेप्थ वाला मिल जाता है, बड़ा ही डीप है, तो ग्लोबॉक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़िया गहराई के साथ मिल जाता है। पीछे की बात करते हैं तो सीट्स देख लो भाई साहब, फिक्स हैं अपनी जगह पे और स्पेस भरपूर मिल जाता है इसमें। तो पावर विंडो का स्विच यहाँ पे मिल गया है, ग्लोसी ब्लैक के यहाँ पे टचिंग देखने के लिए मिल जाती है, एक स्पीकर और यहाँ पे आपका स्पीकर के बराबर में स्पेस मिल जाता है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, बोतल के लिए। यहाँ पे ट्यूटर की जगह है, अगर आप चाहें तो ट्यूटर आप यहीं पर इसका फिक्स करा सकते हैं, अलग से जगह कराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पीकर हो गया। पीछे बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको बूट भाई साहब बटन मिल जाता है मैग्नेटिक वाला ओपनिंग का, 405 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस इसमें आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल। अगर इसके आप पीछे वाली सीटें और गिरा देंगे तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 405 लीटर का बड़ा वाला बूट स्पेस मिल जाएगा। हुक हो गया एक, ये हुक हो गया कुछ हमारा मन टांगना हो तो हुक की भी फैसिलिटी मिल जाती है, पार्सल ट्रे मिल जाती है। नीचे की तरफ देखते हैं क्या है, स्पेयर व्हील है, तो यहाँ पे ये आपको 14 इंच का यानी कि इमरजेंसी के लिए 14 इंच का एक स्पेयर व्हील यहाँ पे मिल जाता है। अब इसे करते हैं बंद और मेन चीज़ रह गई है हमारी इंजन। इंजन के बारे में बात करेंगे कि पावर क्या मिलने वाली है और इंजन में चीज़ क्या मिलने वाली है आपको। हमने बोनट ओपन कर लेते हैं, हो जाओ भाई बोनट ओपन, ये हमारा मस्कुलर गाड़ी का बोनट ओपन हो गया। होने के बाद तो भाई साहब इस तरीके यहाँ पर तो क्लाइटिंग वगैरह लगा रखी है, सही है, बड़ा पावर वगैरह से बढ़िया कवर कर रखा है। तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए बढ़िया वाला मिल रहा है, 72 HP की पावर और टॉर्क इसमें आपको 96 Nm का देखने के लिए मिल जाता है ना धंसू चीज, मतलब इसकी वो देखो यार किस तरीके से बढ़िया कर रहा है। ABS ABD की यूनिट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाती है। बाकी इसकी सजावट देखो किस तरीके से फिक्स कर रखा है, बड़ा शानदार सा लग रहा है ना। तो इस तरीके की भाई साहब इंजन की स्पेसिफिकेशन है, यह है हमारी न्यू रेनॉल्ट काइगर RXL वेरिएंट, 6,60,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है, 7,50,000 रुपये ऑन रोड प्राइस इसका जाता है। वाइट कलर में भी धांसू लग रही है, वैसे तो बेस वेरिएंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने प्राइस पे हमें इतनी खास अच्छी सारी चीज़ें, पीछे भी एसी वेंट मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है पीछे वालों के लिए, हमें और क्या चाहिए। इस तरीके की वीडियो थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट।